सो हेलो असम पीपल, हियर सो विलास टू बताइए क्या हाल चाल। वेलकम ऑल टू वेरी फ्रेश न्यू ब्लॉग। एक नए ब्लॉग पे आप लोगों का स्वागत है। हर महीने को सिर्फ एक ही बार ये इंट्रो आप लोगों को देखने को मिलता है, मुझे पता है, लेकिन निराश मत होना, कुछ महीने के जाने दो, उसके बाद जाके आप लोगों को फुल ऑन टूरिंग ब्लॉग्स मिलेंगे। कुछ राइड प्रिपरेशन प्लान्स बन रहे हैं, लेकिन आज जो वीडियो है ना, वो इस वीडियो को बनाने के लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम में जब से TVS ने एक हिंट देना शुरू किया था कि कुछ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, कुछ उनका एक नया व्हीकल लॉन्च होने वाला है, तब से बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड होकर रखा हूँ। एंड जब लॉन्च हो गया तो भाई क्या ही बताओ आप लोगों को, TVS जुपिटर 110 का न्यू मॉडल विथ कम्प्लीटली न्यू चेसिस एंड मोर फीचर लोडेड स्कूटी एक लॉन्च किया गया है फ्रॉम TVS एंड इट लुक्स रियली अमेजिंग। सो आप लोगों को मैं आज लॉन्च इवेंट था करंट TVS पे, सो मैं आया यहाँ पर, उन्होंने इनवाइट किया एंड क्या मस्त स्कूटी है। एंड ऊपर से सोने पे सुहागा ये बात है कि एंटॉर्क का एक ऑल ब्लैक एडिशन लॉन्च हुआ है जो कि काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी गुड लुकिंग है। तो अभी आप लोगों को जाके मैं दिखाता हूँ कि कैसा लगता है वो ब्लैक एडिशन एंड द न्यू TVS जुपिटर। इन सब का आपको राइड वीडियो भी डेडिकेटेडली मिल जाएगा, उसका मोटो ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो बहुत कुछ प्लान्स है, लेकिन आज लॉन्च इवेंट है, तो आप लोगों को इन ब्रीफ में इन स्कूटियों के बारे में बताता हूँ क्या है क्या नहीं, और आप लोग बताना दोनों लुक्स में कैसे लगते हैं आपको। सो लेट्स गो इनसाइड एंड जाके देखते हैं क्या बातचीत है इन दो नए स्कूटीज का। सो हियर द टू न्यू स्कूटीज बाई TVS। दिस वन इज TVS जुपिटर 110cc वाला। इसमें दो कलर वेरियंट आता है एंड वहाँ पर है आपका एंटॉर्क का ऑल ब्लैक एडिशन। बीइंग एन एंटॉर्क लवर एंड एन एंटॉर्क राइडर, मुझे पता है इस कलर का क्या क्रेज़ होने वाला है मार्केट पे, ये सबसे ज़्यादा बिकेगा। टॉक अबाउट द न्यू TVS जुपिटर। ये एक ब्लू शेड में आता है एंड ये इज़ द आई थिंक गोल्डन एंड सिल्वर का मिक्स आप कलर बोल सकते हो। दोनों ही कलर बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यारा जो कलर है वो है ये ब्लू वाला। सो इसमें जो है आपको इन्फिनिटी लाइट दिया गया है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। यहाँ पर अभी आप पूछोगे कि इंडिकेटर कहाँ है, इंडिकेटर तो देखने को मिल नहीं रहा है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। सो इंडिकेटर जो है ये इसी DRL में जो इन्फिनिटी लाइट उन्होंने दिया है इसी में इंटीग्रेट किया हुआ है एंड हियर इज़ द इंडिकेटर। और यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का फीचर मिलता है जब आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करोगे, अचानक से आप लोगों को हार्ड ब्रेक करना पड़ रहा है, एट द टाइम ये जो चारों इंडिकेटर है ये एक साथ जल उठेंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर दिया गया है। टॉकिंग अबाउट द फ्रंट, सही जो डीजी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको मिलता था RR310 में एंड अभी TVS जुपिटर में भी दिया गया है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन वर्टिकल तो वर्टिकल ही है। अभी यहाँ पर इंडिकेटर ऑफ करता हूँ एंड यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, वॉइस असिस्ट से लेके हर एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। राइड के दौरान आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बताऊँगा कि आप लोगों को क्या क्या फीचर्स में मिलता है, क्या क्या यूजिबिलिटी है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो वॉइस असिस्ट और स्टार्ट स्टॉप बटन एक ही साथ दिया गया है, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप है, यहाँ पर वॉइस असिस्ट है। सो बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन रखा गया है एंड इनफैक्ट द बूट स्पेस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बूट स्पेस। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा जगह मिल रहा है यहाँ पर, लिटरली यहाँ पर अभी दो हेलमेट, हाफ फेस हेलमेट आप लोग रख सकते हो, फुल फेस हेलमेट नहीं रख सकते। सो दो हाफ फेस हेलमेट ईजिली यहाँ पर आ जाएगा। बूट स्पेस को बहुत ज़्यादा बड़ा किया गया है। अभी यहाँ पर बूट स्पेस को जो बड़ा किया गया है ना, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है कि आप लोगों को जो फ्यूल लीड जो है ये आपको सामने देखने को मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को सामने देखने को मिलता है फ्यूल लीड। एंड जो आपका फ्यूल टैंक है वो आपको यहाँ पर बीच में दिया गया है एंड TVS जो है वो बोलता है कि यहाँ पर आप आराम से एक सिलेंडर रख सकते हो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है। एंड चाबी जो है, चाबी का प्रीमियमनेस आप लोग देख ही सकते हो, देखने में प्रीमियम है, हाथ में थोड़ा सा प्रीमियम से कम ही लग रहा है, सच बात बता रहा हूँ भाई। और एक जो मज़ेदार चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है ये है आपका USB चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पर मोबाइल रख के आप यहाँ पर चार्ज कर सकते हो। सो ऑल इन ऑल बहुत ही एक अच्छा स्कूटी लॉन्च किया गया है एंड ये मार्केट को खाने वाला है। इसका जो राइवल्स है नाम मैं बाद में लूँगा,
सो उस सेगमेंट को तो ये खाने वाला है, उस कंपनी को ये खाने वाला है। एंड TVS इज़ वर्किंग मोर इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइंस, फीचर्स एंड एवरीथिंग। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को मैं नेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ TVS एंटॉर्क का ऑल ब्लैक एडिशन। मतलब मुझे हर समय चाहिए था कि मेरा जो एंटॉर्क है वो फुल ब्लैक दिखे, एंड मुझे वो बाहर से रैपिंग करवाना पड़ता था। लेकिन अभी जाके यहाँ पर कंपनी ने खुद लॉन्च किया है कंपनी का ग्राफिक्स, कंपनी का मैट ब्लैक फिनिश। सो इट्स अमेजिंग, इट्स लिटरली अमेजिंग। यहाँ पर आपको एलॉयस भी मिल रहा है रेड में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो वही पुराना वाला है जो कि मुझे मिला था। यहाँ पर भी आपको वॉइस असिस्ट मोड मिल रहा है, एंड इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए था। ऑल ब्लैक में वो जो जो आपको XT में देखने को मिलता है वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर देना चाहिए था कंपनी को। यहाँ पर आई थिंक कस्टमर थोड़ा निराश होने वाले हैं, लेकिन एवरीवन नोज व्हाट इज़ एंटॉर्क, एवरीवन नोज व्हाट इट इज़ मेंट फॉर एंड व्हाट इट इज़ मेड फॉर। एंड मेरा जो एंटॉर्क के साथ एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस है। सी द रेड अलॉयज भाई साहब, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उभर के आ रहा है। एंड यहाँ पर ऑल ब्लैक रखा गया है, लेकिन कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स को यहाँ पर रेड रखा गया है, जस्ट लाइक दैट रेस। उसके बाद एंटॉर्क पे यहाँ पर जो बैजिंग दिया गया है, जो एजेस में जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत रेड इंसर्ट दिया गया है। ये छोटे छोटे जो रेड इंसर्ट्स है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एट प्रेजेंट। एंड दिस ब्लैक इज़ लुकिंग अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग। इसका भी राइड रिव्यू करेंगे, एंड पब्लिक अटेंशन इसको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। हर कोई एंटॉर्क को जानता है, लेकिन फिर भी मुरमुर के देखने वाला है। सो इट्स रियली लुकिंग अमेजिंग। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ थोड़ी ही देर में। हियर इज़ आवर ओनर करण सर, एंड थैंक्स करण सर फॉर कॉलिंग मी आउट हियर इन दिस स्पेशल लॉन्च। सो करण सर, आप कुछ बताइए, आप कितने एक्साइटेड हो फॉर दिस TVS जुपिटर एंड द एंटॉर्क ब्लैक एडिशन? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, नया कलर आया है, एकदम रिफ्रेश हो गया है। तो पब्लिक को अच्छा लगेगा, मैंने 10th सेगमेंट में भी है, इकोनॉमिक में भी है, आपके प्राइस रेंज में भी आएगा, स्कीम्स लेके आ रहे हैं, साथ में गिफ्ट्स है, एश्योर्ड गिफ्ट्स, आई होप सो आप लोग आए। गिफ्ट्स के बारे में तो मतलब क्या ही बोलो, अभी से बुकिंग और सेल दोनों चालू हो चुका है। सो फ्यूचर राइड्स प्लान हो रहा है? यस। सो इवेंट्स एंड ऑल? सो रिसेंटली प्लान कर रहे हैं एक राइड होगा संडे राइड होगा, ब्रेकफास्ट राइड विल बी स्पॉन्सर्ड बाय करंट TVS। साथ में हम लोग आइटिनरी भी प्लान कर रहे हैं ताकि हम लोग बहुत सारा एंजॉय कर सकें थ्रू आउट द राइड। साथ में जाएंगे, कम्युनिटी बिल्डअप करेंगे। सो जितने भी यहाँ पर TVS यूजर्स है, अपाचे हो जाए, रॉनिन हो जाए, एंटॉर्क, जुपिटर जो भी हो जाए, उन लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है कि अभी आइए ज्वाइन करें करंट TVS ग्रुप को। एंड बहुत जल्द राइड्स प्लान भी हो रहा है विद द न्यू TVS जुपिटर and the all back and talk. So thanks a lot for calling me out, and फिर से मुलाकात होगा एक नए प्लान के साथ। ठीक है, आप लोगों ने इस ब्लॉग में देखा कि TVS का दुनिया स्पीड लॉन्च हो चुका है, TVS Jupiter 110 with new 113cc engine, जिसमें आपको हाइब्रिड फंक्शनैलिटी भी मिलने वाला है, और एंटॉर्क का ऑल ब्लैक एडिशन भी आप लोगों को मिल रहा है। उसमें थोड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मतलब क्या ही बोलो, XT का देना चाहिए था, लेकिन पुराना वाला ही दे दिया है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो एट्रैक्टिवनेस है वो हाई ऑन डिमांड रहने वाला है। सो इन दोनों का राइड रिव्यू आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो अभी एक काम करता हूँ, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगता है फॉर व्हाट्सएप रीजन, इस ब्लॉग को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और बहुत जल्द लिटरली इस बार मैं 30-35 दिन नहीं लगाने वाला हूँ, बहुत जल्द मिलते हैं एक राइड ब्लॉग के साथ।